एक पेशेंट को गलत ब्लड ग्रुप दिया गया है, अब ये जो पेशेंट है इस वक्त इनकी हालत भी नाजुक है। आप मुझे बोला आपने प्रिंसिपल से हर चीज से आपको आप आइए। कल मुझे सीजर था, आज मुझे लास्ट पॉइंट था। जब मैं ब्लड बैंक पे गई, उन्होंने मुझे सैंपल निकाला, वहाँ पे पूछा क्या मतलब आपको पॉजिटिव, मैंने बोला ए पॉजिटिव है। आपने प्रिंसिपल से इन्फॉर्मेशन हर चीज़ से आपको आप आइए। आप कैसे बात करें इस पेशेंट को, क्या बात आप जवाब दीजिए। नहीं पहले मुझे तो आप गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाएंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा आप जवाब दीजिए। पेशेंट बेचारा इमरजेंसी में चला गया, आप तो सुनेंगे आप माइक पकड़ रहे, इस तरह आप ऐसे कैसे आप इस तरह क्यों माइक पकड़ रहे। तो नाजरीन आप देख रहे हैं यहाँ पर डॉक्टरों की मुमैना तौर पर लापरवाही की वजह से यहाँ पर एक पेशेंट जो है वो बेचारा जिंदगी और मौत की जंग इस वक्त लड़ रहा है। और आपने खुद देखा कि डॉक्टर साहब किस तरह से रोक रहे थे, हालांकि मीडिया को कोई रोक नहीं सकता था। आपने खुद देखा कि डॉक्टर साहब किस तरह से, यहाँ से दिखाइए डॉक्टर साहब यहाँ पर आए, शायद मीडिया पर इस तरह की पाबंदी, डॉक्टर साहब को शायद डॉक्टर साहब इस चीज़ से अवेयर नहीं है कि पेशेंट किस हालत में है। मैं आपको बताऊं, एक पेशेंट जिसका ताल्लुक बरमला के बुनियाद से है, जिनको ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चढ़ाना था, बदले में इनको ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चढ़ाया गया। बहरहाल ये लापरवाही, मैं कहूंगा लापरवाही इस कदर है, जब हमने डॉक्टर से पूछताछ करनी चाहिए तो आपने खुद देखा कि डॉक्टर साहब का रवैया किस तरह का था। बहरहाल इस मसले में इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आए रोज हम देखते हैं कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मासूम लोगों की जानों को खतरा लाहक होता है, लेकिन इन डॉक्टरों पर कार्रवाई करना इस इंतजामिया की एक अवलीन तरजीह है। बहरहाल हम इस हवाले से और भी कोशिश करेंगे, मजीद अपडेट इसी हवाले से आप तक पहुँचाएंगे। आप मुझे अपना नाम बताएं और कहाँ से आए हैं आप? जी मेरा नाम परवीना है, मैं नवशहरा से आई है। क्या तकलीफ थी आपको? मुझे ब्लड 4 पॉइंट थे। अच्छा, ब्लड 4। आप जब यहाँ पे आए, आपके चलते आए थे? हाँ, अच्छी तरह मैं ठीक ठाक थी, अच्छी तरह मैं आई इधर। मुझे लास्ट ब्लड पॉइंट था, मुझे सीजर था कल मुझे सीजर था, आज मुझे लास्ट पॉइंट था। जब मैं ब्लड बैंक पे गई, उन्होंने मुझे सैंपल निकाला, वहाँ पे पूछा क्या मतलब आपको पॉजिटिव, मैंने बोला ए पॉजिटिव है। उन्होंने बोला ठीक है आप जाइए, हम वहीं पे पहुँचेंगे आपको। रुकिए सर, चेक कराता। जब हम यहाँ बैठे थे, मैं और मेरी दीदी, तो वो आया इधर, वो बैठा मेरे बेड पे, तो उस टाइम मैंने बोला अंकल होश से लगाना, मुझे ए पॉजिटिव है। डॉक्टर साहब, एक्चुअली हमारी एक स्टोरी आज थी यहाँ पर, एक पेशेंट को गलत ब्लड ग्रुप दिया गया है जी। हाँ, तो इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं, क्या आप इस हवाले से करने जा रहे हैं, क्या जो मुलाजिम है जिसने ये गलत ब्लड ग्रुप दिया है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? नहीं, अभी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी सर जी। तो अब ज्यादा टेंशन हमारा इसी की तरफ था कि पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन हो तो उसकी नवियत का पता लगे। जी जरूर होगा, जरूर होगा। डॉक्टर साहब, ये जो पेशेंट है इस वक्त इनकी हालत भी नाजुक है, काफी देर तक ये आईसीयू में भी रहे हैं,
क्रिटिकल कंडीशन थी इनकी, तो अब इस हवाले से क्या वाकई में कार्रवाई होगी? डेफिनेटली होगी सर, जो इसका प्रोसेस होगा जी जरूर होगी, उसके उसको कमेटी के सामने आना पड़ेगा एंड ही विल हैव टू आंसर, सब एवेल्युएट होगा कि क्या क्या है, अगर कहीं इसका लैप्स है वो देखा जाएगा। चलिए थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इस वक्त हम मौजूद हैं जीएमसी में और स्टोरी इस तरह की है कि एक पेशेंट जिसका ताल्लुक बारामूला से ही है और इस घर से उनको दाखिल किया गया था कि उनको ब्लड में जो है ब्लड की ज़रूरत थी, जिसके बाद यहां पर मुबैना तौर पर उनको गलत ब्लड दिया गया और उनको कॉम्प्लिकेशंस पैदा हुई। और आज जब हम यहां पर आए, हमने इस वाक़े की पूछताछ करनी चाहिए, तो आपने खुद देखा कि हमारे साथ किस तरह का रवैया पेश आया, हमारे साथ हमें रोका गया, हमारा कैमरा कैमरा के आगे हाथ लिया गया, हमारी माइक छीन ली गई थी। बहरहाल ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, ऐसी इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए थे। हमारा काम है, जब भी हमें कोई मज़लूम, जब भी हमें कोई गरीब आवाज़ देता है, तो हमारा फ़र्ज़ है उस गरीब की आवाज़ हुकाम तक पहुँचाए। बहरहाल इसी हवाले से हमारे साथ इसी पेशेंट के अटेंडेंट मौजूद है जो इसी हवाले से बात करेंगे। मुझे आप बताइए कहाँ से आपका ताल्लुक है और क्या मसला आपके साथ पेश आया? अस्सलाम वालेकुम, हम बोनियार से बोनियार के रहने वाले हैं। कल हमारा पेशेंट आया यहाँ पे, एक्चुअली उनका ऑपरेशन था आज, तो उनको एक ब्लड मतलब एक पॉइंट की कमी थी, तो हम आए यहाँ पे उनको ब्लड चढ़ाने के लिए। जब चढ़ाने के लिए आए तो इन्होंने ऐसा गलत ब्लड दे दिया, इनको देना था ए पॉजिटिव, तो इन्होंने बी पॉजिटिव दे दिया। तो इनकी मतलब इतना देखो इनकी कि इन्होंने वो भी नहीं बताया कि गलत है सही है। जिसका वो ब्लड था वो आया 25 से आधे घंटे के बाद, बोला भाई हमारा ब्लड है, तब तक पेशेंट डेड हो गया था। उसके बाद ने जब देखा गलत, उसके बाद 13-14 इंजेक्शन किए मतलब पेशेंट को, तो इनको बेहोश कर दिया। पेशेंट था आईसीयू में रखा था 24 घंटे के लिए। हमने बोला हम तो आए थे ब्लड चढ़ाने के लिए, तो इन्होंने मतलब बिल्कुल। उसके बाद जब हमने आपको बोला, आप आए यहाँ पे, सबसे पहले सिक्योरिटी ने आपके साथ कैसे मतलब बिहेव किया, डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, आप मुझे बताओ जाएँ तो जाएँ कहाँ? अगर मीडिया भी सुनो, मीडिया के पास भी नहीं जाएँ तो जाएँ तो जाएँ कहाँ? अब मुझे ये बताइए, मीडिया सुनो, इस चीज़ में जो भी ये मुलव्वस है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आप मुझे बताइए, इस हवाले से आपने जो अथॉरिटीज़ है यहाँ पर जी, उनसे राबता किया था, उनको आपने कहा था कि मेरे पेशेंट के साथ इस तरह का? उन्होंने देखा, उन्होंने सब कुछ देखा क्या हो रहा था, बिल्कुल गलत हो रहा था। जिसने ये खून दिया है उनके साथ आपकी बात हुई? आप बोल रहे थे कि उन्होंने भी इस चीज़ की ये एडमिट किया कि हाँ मेरे से गलती। हाँ जी जी, उनका नाम है, एक्चुअली मैं बताता हूँ, उनका नाम जो है वो मिस्टर कुछ हैं, गुलाम हसन सोफी साहब, सोपर के रहने वाले हैं, ठीक है। उन्होंने दिया देखे, उसके बाद उनको ये नहीं सोचा कि इंसान की जान चली जाएगी। 24 घंटे तक हमारा आईसीयू में रखा पेशेंट रखा गया और बेहोश करके उसका मतलब टोटली डेड हो गया था जी। अब यहाँ पे आते हैं शफा मतलब शफा खाने में, शफा खाना नहीं है ये, जबा खाना है, सिंपली बात है। अब मीडिया को बोलते हैं आओ कोई हेल्प करो, किसके पास जाएंगे आप मुझे बताइए ना? अगर मीडिया के पास नहीं जाएंगे तो गवर्नर साहब के पास भी जाना चाहिए, लेकिन वहाँ तक भी कुछ होने वाला है नहीं। यहाँ पे आए आप, देखा आपने क्या मतलब, जैसे कि एक मतलब कुछ ऐसा सिस्टम हो गया था कि अंदर घुस गए थे आप, ऐसे जैसे मतलब इस जैसे उधर जाओ इधर जाओ ये करो, डॉक्टर साहब क्या कर रहा है, कैमरा छीन रहा है आपसे, मैक छीन मतलब ये बताओ ना, आखिर जाना तो जाना कहाँ पे? बिल्कुल, तो नाज़रीन आप ये मेरी देख रहे हैं, बिल्कुल हर एक की बहन है, जरा इस चीज़ को देखो। ये मसला जो है इन्वेस्टिगेटिव मसला है, बजाय हाथापाई के, बजाय हमारा माइक छीनने के, डॉक्टर साहब को चाहिए था कि उस पेशेंट की तरफ तवज्जो दे जो पेशेंट कल से 24 घंटे क्रिटिकल कंडीशन में था, जिसको गलत ब्लड दिया गया। बहरहाल इस चीज़ की संजीदगी से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और प्रिंसिपल जीएमसी जो है या यहाँ के जो नए जो इंचार्ज है यहाँ पर मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, उनको भी इस हवाले से तहकीकात करने की ज़रूरत है। जो भी इस हवाले से मुलव्वस अफराद है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए। बारामूला से आशिक मीर, कश्मीर क्राउन के लिए।